नहीं चाहते जो श्रद्धा का हाल हुआ वो किसी और का हो। इसलिए मेरी माताओं, मेरे जितने अभिभावक बैठे, हाथ जोड़कर निवेदन, अपने बेटा अपने बेटी की संगत जरूर चेक करो कि आपका बेटा या आपकी बेटी संगत किसकी कर रही है। कहीं ऐसा तो नहीं ऐसे की संगत कर रही हो जो मदरालय ले जा रहा हो। अगर संगत करवानी हुई है तो किसी के मस्तक पर तिलक हो, मुख पर गोविंद का नाम हो, सनातनीय हिंदू हो, कम से कम वो भगवान के मंदिर तक ले जाएगा। ये बहुत जरूरी है, वर्तमान में तो बहुत आवश्यक है। कई लोग, कई बहनें कहने लगे हमारा वाला ऐसा नहीं होता, हमें आपके प्रेम से कोई बुराई नहीं है, आप जैसे जियो वैसे जियो, बहुत अच्छा है, लेकिन अपने माता पिता को जिंदगी भर रोने के लिए कलंक मत करके जाना तुम। इसलिए भारत की प्रत्येक बेटियों से प्रार्थना है, मर जाना पर संगत कभी भी सनातन वालों को छोड़कर अन्य की संगत मत करना। हमने जैसे गीता के स्वधर्म धर्म श्रेया पर धर्मो भयावह, गीता कहती अपने धर्म में मरना श्रेयस्कर है दूसरे धर्म के बारे में विचार करने से, विचार करना भी व्यर्थ है दूसरे धर्म के लिए। यहाँ तक गीता ने कहा विचार भी करना व्यर्थ है, स्वधर्मेण धर्म श्रेयः, अपने धर्म में मरना श्रेयस्कर है। इसलिए भारतीय वैदिक सनातन हिंदुओं से कहना है, मेरे भारत के लोगों तो उस परंपरा के हो जिसने पूरे विश्व को संस्कृति का पाठ पढ़ाया है। ये तुम्हारा गौरव है, तुम सनातनी हिंदू हो। सनातनी होने के लिए लोग तरसते हैं और तुम तो उसी सनातन में भय हो। इतने के बाद भी अपना सौभाग्य ना मानो तो तुमसे बड़ा मूर्ख संसार में कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। इसलिए प्रत्येक अभिभावक से हम नहीं कह रहे, भागवत कहती जितासनो जित सासो जित संगो, संगत पर कहा है सावधान, ऐसी संगत रखो जो भगवान से जोड़ दे, चाहे वो मित्र हो फ्रेंड हो कोई भी सर्कल हो आपका। आजकल संगत के नाम पर वासना के अलावा कुछ नहीं परोसा जाता। हमारा निवेदन है संगत ऐसी रखो जिसमें वासना नहीं जिसमें उपासना, ऐसी संगत करो जिसमें उपासना की चर्चा हो वासना की चर्चा ना हो। ऐसी प्राप्त हो गए ऐसा तो संसार में बड़ा मुश्किल है, जहां जाओ वहीं तो पर संगति बनाना ही है, मित्र बनाना ही है, तो दुनिया वालों को क्या बनाना। गोस्वामी जी कहते हैं सोरे नारे मुनि सब की यही,